पिछले दिन हरियाणा विखे किसानों के दंगा बनाने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ पुतला फूक के आम आदमी पार्टी के वालों रोस प्रदर्शन किया गया। लोक सभा इंचार्ज सरदार इकबाल सिंह भुल्लर, शहरी प्रधान मैडम जीवन ज्योत कौर, देहाती प्रधान हरवंत सिंह उमरानगर, देहाती को प्रधान मैडम सीमा सोढ़ी, जिला सकत्र प्रभवीर सिंह बराड़ और जिला टीम की अगवाई हेठ भारी गिणती वॉलंटियर्स की मौजूदगी अमृतसर हाल गेट विखे धरना लगाया गया। किसान विरोधी तीन काले बिल के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूक के रोस प्रदर्शन किया गया। मेरा नाम अशोक कलवार, जॉइंट सैकटरी आम आदमी पार्टी पंजाब। अज तुसी देखा पिछली दिनी दो दिन पहला जो गुंडागर्दी की है भाजपा सरकार ने किसानों के उत्ते जोड़े शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे करनाल के भी उन्होंने भाजपा सरकार ने खट्टर सरकार ने अपने SDM साहब को बेहद शर्मनाक काम करवाया है। हूँ SDM साहब की कह रहे हैं कि किसान जो पिछे नहीं हटते लाठी इन्हों के पैरों से नहीं सर से मारो सर फोड़ दो सर जिदे करके एक किसान की मौत हो जाती है और 15-16 किसान गंभीर रूप से घायल होते है। आम आदमी पार्टी ने उस करके अब प्रोटेस्ट किया, खट्टर साहब का पुतला साड़िया है, मोदी साहब का पुतला साड़िया, तो डिमांड कर रही है कि ऐसे SDM तुरंत बर्खास्त करो तो उन्होंने केस दर्ज करो। वो हत्या के एक किसान की जी मौत हो गई है वो हत्या के दोषी है। मेरा नाम जीवन ज्योत कौर है और मैं अमृतसर शहरी दी प्रधान हाँ। अज आम आदमी पार्टी ने सारे पंजाब दे विच हर जिले दे विच साडा प्रोटेस्ट होया है। इस दे विच असीं मोदी ते खट्टर दे पुतला फूक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिन ही खट्टर सरकार की हिदायतों के उत्ते साडे किसान वीरां ते करनाल दे विच बैठिया जिहड़ा लाठीचार्ज किया गया है उन्होंने लहू लुहान किया गया है। आम आदमी पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है और असी खट्टर साहब तो ये डिमांड करते हैं कि वो अफसर पुलिस अफसर मुलाजम उन्होंने सारे नो तुरंत नौकरी तो बर्खास्त किया जाए तो खट्टर सरकार इस दे लिए माफ़ी मंगनी चाहिए। किसानों बैठे बड़ा चेर हो गया पर कोई हल नहीं निकल रहा, जो गल करिए भाजपा के मंत्री आज वक्त वक्त बयान दिए जा रहे हैं। देखो लोग खिलाफ भी तो बहुत ने फिर भाजपा के मंत्रियों का हाल की हो रहा है, लोग हल्कों से नहीं वड़न दे रहे, लोग जुत्तियों स्वागत कर रहे हैं। सो इस दे विच ये बहुत क्लियर है कि किसान और लोग इस वेले समझ गए कि एक तीसरे विकल्प की बहुत लोड़ है और आम आदमी पार्टी पहले दिन तो किसानों के नाल खड़ी सी और अखीर दम तक किसानों के मगर खड़ी। 2022 दी चोणां बहुत इंट्रस्टिंग है पर लोग इन्ने समझदार हो गए हैं कि उन्होंने बहुत चंगी तरह समझ आ गई है कि ना कांग्रेस ना अकाली ना BJP किसी सरकार वोट नहीं पानी है, वोट सिर्फ आम आदमी पार्टी को पानी है।